खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका उपयोग दूरस्थ आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। जैसे तारे, चांद आदि जो भी आकाशीय पिंड हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब ये दूरदर्शी कैसे काम करता है, इसकी रचना क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि इसका उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है, तो ये हमारा एक लेंस है जो जिसका द्वारक आप देख लीजिए थोड़ा बड़ा है, और ये एक लेंस है जिसका द्वारक थोड़ा छोटा है। इसे हम कहेंगे अभिदृश्यक लेंस, ये वस्तु की तरफ रखते हैं। इसे हम एल ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये इसका प्रकाश केंद्र है। ये उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, दो उत्तल लेंस इसमें उपयोग में हम लाते हैं, और ये इसका प्रकाश केंद्र है ओ। एक और लेंस है जिसे हम नेत्रिका लेंस के रूप में उपयोग में लाएंगे, इसका द्वारक थोड़ा छोटा है और ये इसका प्रकाश केंद्र है ई। इस लेंस को हमने नाम दिया है एली। तो ये है नेत्रिका लेंस और ये है अभिदृश्यक लेंस। तो जो वस्तु की ओर है वो अभिदृश्यक लेंस है और जो हमारी ओर है वो नेत्रिका लेंस है। इसकी फोकस दूरी और मुख्य व्यास ज्यादा है, द्वारक बड़ा है। इसकी फोकस दूरी और मुख्य व्यास कम है, द्वारक छोटा है। अब ये कैसे काम करता है? ये अनंत पर स्थित वस्तु है और इससे समांतर किरणें चलकर आ रही है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस पर बनाता है, तो इस एलो का या अभिदृश्यक लेंस का ये फोकस है एफ ओ। तो ये एफ ओ इसका फोकस है। तो ये देख लीजिए, ये प्रकाश की किरण चलकर आई और ये यहाँ इस तरह से होती हुई ये यहाँ आकर मिली। एक और प्रकाश की किरण ले आइए, ये देखिए ये भी यहाँ आकर मिली। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब फोकस पर बना है, उल्टा वास्तविक, और इस प्रतिबिंब को हमने नाम दिया है ए बी। तो ये ए बी प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। किसके फोकस पर? इस अभिदृश्यक के फोकस पर, एफ ओ पर। ये इसकी फोकस दूरी है, यहां से ओ से लेकर ये ए तक की जो दूरी है इसकी फोकस दूरी है, और प्रतिबिंब बना है एफ ओ पर, इसके फोकस पर। ये भी प्रतिबिंब है। अब ये जो नेत्रिका लेंस हमारा है जिसको हम एली नाम दे रहे हैं, इस नेत्रिका लेंस को हम इस तरह से आगे पीछे खिसकाएंगे कि ये जो ए बी है, जो हमारी इस मूल वस्तु का प्रतिबिंब है, ये इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए। ये इसका फोकस है एफ ई। ये ई जो हमारा एली है, अर्थात हमारा जो नेत्रिका लेंस है उसका फोकस ये एफ ई है। तो ये इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाती है, तो उस लेंस द्वारा उसका उसी दिशा में प्रतिबिंब बन जाता है बड़ा। तो ये इस कारण से हम इसको इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो इसको आगे पीछे करके ऐसा हमें सेट करना होगा कि ये इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, ये ए बी। अब ये इसके लिए वस्तु का काम करेगी। अब देखिए, इससे एक किरण प्रकाश केंद्र की दिशा से डालिए, सीधी निकल जाएगी, ये चली गई, और एक किरण डालिए इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष, तो इसके समांतर ये प्रकाश की किरण डाली और ये फोकस से होकर चली गई।
तो इससे चलने वाली किरण जो प्रकाश केंद्र की दिशा से गई वो सीधी निकल गई, और जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो इसके फोकस से ऊपर चली गई। ये इसका फोकस है एफ ई, ये एफ ई और ये एफ ई, ये इसका प्रथम मुख्य फोकस है और ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस है, तो इसके फोकस से ऊपर चली गई। अब दोनों निर्गत किरणें आभासी रूप से जब हम डेश डेश करते हुए पीछे की ओर बढ़ाते हैं, देखिए बढ़ा रहा हूं मैं, तो ये Q पर मिलती है, तो इस तरह से ये PQ हमारा अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब ये PQ को आप देख लीजिए, ये इस अनंत पर स्थित वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, आभासी है, और चूंकि हमारे नेत्र का दृष्टिकोण बड़ा हो गया है इसलिए वस्तु हमें अब बड़ी दिखाई दे रही है, तो हम इस तरह से आकाशीय पिंडों को बहुत अच्छे तरीके से इस खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसमें अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा, आभासी और बड़ा बनता है और हम उसे देख पाते हैं, और ये हमारे नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, मतलब ठीक ठीक दूरी जहां तक हम अच्छे से देख पाए वहां हम इसको बना लेते हैं, जो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं, यह अभिदर्शक लेंस है, यह भी उत्तल लेंस है, यह नेत्रिका लेंस है, यह भी उत्तल लेंस है, इसका द्वारक बड़ा है, इसका द्वारक छोटा है। द्वारक बड़ा इसलिए ताकि जो दूर स्थित आकाशीय पिंड है उससे आने वाली अधिक से अधिक किरणें इस हमारे दूरदर्शी में प्रवेश कर सके, ताकि अभिदृश्यक उस वस्तु का तीव्र प्रतिबिंब बना सके। ये भी तीव्र तभी बनेगा जब ये द्वारक बड़ा होगा, और ये नेत्रिका लेंस को हम छोटा इसलिए, इसका द्वारक कम इसलिए रखते हैं या छोटा इसलिए रखते हैं ताकि प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो अधिकतर नेत्र में प्रवेश कर सके। तो अब देखिए होता क्या है कि अनंत से आने वाली किरणें हैं, अब उत्तल लेंस इनका प्रतिबिंब फोकस पर बनाएगा, तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसका फोकस ये एफ ओ यहाँ है, तो इनसे आने वाली किरणें इस तरह से देखिए ये आई और ये यहाँ से ऐसे होते हुए ये यहाँ आकर और ये आ गई, है ना। तो ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, फोकस पर बन गया ए बी। अब इस नेत्रिका को हम इस प्रकार आगे पीछे करते हैं कि ये इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, ये इसका फोकस एफ ई और ये वस्तु इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ गई, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से निकल जाएगी और एक प्रकाश केंद्र की दिशा सीधी निकल जाएगी, और दोनों निर्गत किरणों को जब हम आभासी रूप से देखते हैं तो ये पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये इस तरह से हमारा ये अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू प्राप्त होता है, जो इस वस्तु के सापेक्ष उल्टा है और आभासी है। दृष्टिकोण हमारे नेत्र का बढ़ जाने से ये हमें वस्तु, अब जो अनंत पर वस्तु हमें पहले छोटे दृष्टिकोण के कारण छोटी दिखाई देती थी, अब वो बड़े दृष्टिकोण के कारण बड़ी दिखाई देगी, तो इस तरह से ये हमें अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग हम आकाशीय पिंडों को देखने में कर सकते हैं, अंतिम प्रतिबिंब इसमें वस्तु के सापेक्ष उल्टा और आभासी प्राप्त होगा। हमें बच्चों मूल रूप से ध्यान रखना है कि हम वस्तु का जो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब बनाएंगे वो उसके फोकस पर बनाएंगे, ये एक बात है, और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रतिबिंब हमने बनाया है ये नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, ताकि ये जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तो उसका सीधा और आभासी बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये इस तरह से ये इसके सापेक्ष तो ये अंतिम प्रतिबिंब सीधा ही है, इस ए बी के सापेक्ष पी क्यू सीधा है, लेकिन इस अनंत पर स्थित वस्तु के सापेक्ष ये क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो ये हम हमेशा ध्यान रखें कि नेत्रिका के सम्मुख हम इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में इसको ले आए। Thank you.